Hello everyone, you are most welcome. Today our topic is commission, brokerage and discount. Question number 10 of miscellaneous exercise 1. So question is, a bill was drawn on 14th April 2005 for rupees 3500. So bill kitne ki draw hui hai? 3500 की ड्रॉ हुई है, 14th अप्रैल को ड्रॉ हुई है. तो दिस इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड बिल कितने रुपए की ड्रॉ हुई है? 3500 रुपीज की. तो दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द बिल एंड वाज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई 2005 एट 5% पर एनम. द बैंकर पेड रुपीज 3465. बैंक कितना अमाउंट पे कर रहा है? बैंकर पेड कर रहा है 3465. तो ये कैश वैल्यू हो गई बिल की. देखिए 3500 फेस वैल्यू है और ये 3465 बैंकर पेड कर रहा है. दैट मींस ये क्या हो गया? ये कैश वैल्यू ऑफ द बिल होगी. तो यहां पे कैलकुलेटर डिस्काउंट मिल जाएगा हमें. तो एनालिसिस प्रॉब्लम तो होना चाहिए. अगर फेस वैल्यू भी दिया है और बैंकर ने कितना पेड किया वो भी दिया हुआ है तो इसके मतलब बैंकर डिस्काउंट हम तुरंत निकालेंगे. हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने पीरियड की बिल थी. 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, कितने पीरियड की बिल थी हमें ये फाइंड आउट करना है. प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट अस सी द आंसर. आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या? सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ द बिल. फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 3500. फिर आपको देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग. That is 14th April. क्योंकि हमें जब पीरियड ऑफ बिल निकालना होगा ना तो 14th अप्रैल से निकालना होगा. 14th अप्रैल 2005 से लेकर के कब तक के लिए बिल डिस्काउंट हुई वहां तक के बीच का पीरियड निकालना है. सो इसके बाद डेट ऑफ ड्रॉइंग के बाद आपको प्रॉब्लम भी दिया हुआ है क्या? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया हुआ है 6th जुलाई 2005. तो डेट ऑफ डिस्काउंट 6th जुलाई 2005. इसके बाद आपको प्रॉब्लम में क्या निकालना होगा? जैसे मैंने आपसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही है 5% पर एनम, ये तो हम देख लेंगे. तो आर भी लिख देते आर इक्वल टू 5% पर एनम. नाउ सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर बैंकर डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. कैश वैल्यू ऑफ बिल आपको दिया जितना बैंकर ने पेड किया है. तो बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको. फेस वैल्यू कितना है हमारे पास बिल का? 3500 रुपीज एंड कैश वैल्यू 3465. अगर इसमें से माइनस करोगे 3500 में से 3465 है तो 35 रुपीज आएगा. तो ये आ गया बैंकर डिस्काउंट. बट बैंकर डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बट बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द बिल. तो फेस वैल्यू ऑफ बिल इज गिवन टू अस रुपीज 3500. तो फेस वैल्यू इंटू एम इंटू आर अपॉन 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैंकर डिस्काउंट. सो बैंकर डिस्काउंट फेस वैल्यू कितना अमाउंट है? 3500 इंटू पीरियड हमें नहीं मालूम है. आर कितना है? 5% अपॉन 100. एंड बैंकर डिस्काउंट कितना निकाला हुआ है? देखिए यहां से हमें 35 रुपीज देते थे तो हमें इससे पीरियड मिलेगा. बट एग्जैक्ट पीरियड कैसे निकालना होगा ये देखना है हमें. तो ये 20 से 20 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल. 1 इज इक्वल टू एन इंटू 5, देयरफॉर एन इक्वल क्या होगा? 1/5 ईयर्स. 1/5 ईयर्स से हमें कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं. तो ईयर्स को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर देंगे हम यहां पर. तो ईयर को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2005 क्या है? लीप ईयर नहीं है. तो वन ईयर में कितने ईयर होंगे? 2005 में देयर आर 365 डेज. सो व्हेन वी कैलकुलेट 1/5 ईयर इनटू 365 डेज तो पीरियड जो हमें किसमें मिल जाएगा? डेज में मिल जाएगा. तो देयरफॉर एन इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1/5 इनटू 365 तो 3 7 35, रिमेनिंग 1 15 हो गया. 5 3 तो 73 डेज.
तो बिल कितने दिन के लिए डिस्काउंट की गई है? 73 डेज के लिए. सो वी हैव टू कैलकुलेट द पीरियड फॉर 73 डेज. सो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, ध्यान देना, पीरियड फॉर विच द डिस्काउंट इज काउंटेड, पीरियड फॉर विच द डिस्काउंट इज काउंटेड या कंडक्टेड, पीरियड फॉर विच द डिस्काउंट इज कंडक्टेड फॉर 73 डेज. कहां से? लेकिन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से, फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. तो डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 6 जुलाई है. तो जुलाई मंथ में कितने मंथ डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. तो यहां पे हम ले लेंगे क्या, जुलाई में 31 डेज होते हैं, उसमें से 6 डेज माइनस करो तो 25 डेज रिमेनिंग होगा जुलाई के. फिर अगस्त के 31 डेज, सितंबर में 30 डेज होते हैं, हमें टोटल 73 डेज चाहिए. तो अगर मैं 30 लेता हूं ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर क्या करना होगा, हमें टोटल डेज क्या है, 73 डेज है, हमें टोटल 73 डेज चाहिए. कहां से? 6 जुलाई से लेकर के आगे तक के जो भी डेट आती है वहां तक. तो जुलाई में कितने डेज रिमेनिंग बचे हुए? 31 डेज में से हमने 6 डेज माइनस कर दिया तो 25 डेज. अगस्त के 31 डेज, अभी मुझे 73 डेज में से इन दोनों के टोटल डेज कितने हो गए? 56 डेज. 73 में से 56 डेज में माइनस कर दू तो 17 डेज बचे. तो 17 डेज आ जाएंगे सितंबर के, मतलब ये 17th सितंबर क्या जाएगा, लीगल ड्यू डेट आ जाएगा. तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देयरफॉर 17th सितंबर इज द लीगल ड्यू डेट. अगर 17th सितंबर लीगल ड्यू डेट है तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा? देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट 3 डेज उसमें से निकाल दिया जाए तो 14 सितंबर हो जाएगा. तो ये 14 सितंबर क्या हो गया? नॉमिनल ड्यू डेट हो गया. तो एक्चुअली पीरियड कितने महीने का बिल था? 14 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक कितने मंथ होंगे हम निकाल लेंगे. देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल From 14th April 2005 to 14th September 2005. तो आप काउंट कर लीजिए, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी 14th अप्रैल से 14th मई, 14th मई से 14th जून, और 14th जून से 14th जुलाई, जुलाई 14th जुलाई से 14th अगस्त, और फिर इसका सितंबर. तो 5 मंथ होते हैं यहां. कितने मंथ होते हैं? 13. दैट इज 5 मंथ. तो यहां पर क्या आंसर आ गया ना, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल इज 5 मंथ. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ यू विल ज्वाइन अस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 11. देन have a nice day.